केड़ी कह रहे हैं दीवार, अमिताभ बच्चन की फिल्म थोड़ी लेने जा रहे हैं, दीवार दे दो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सिमरन और ये है डीवर्स वाइट लेबल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। डीवर्स डिस्टिलरी स्टार्ट की गई 1846 में बाय जॉन डीवर्स, बट इस ब्रांड को पहचान मिली 1880 में जब जॉन डीवर्स एक्सपायर हो गए और उनके बाद उनके बेटे जॉन डीवर जूनियर और थॉमस डीवर्स ने ये कंपनी संभाली। जो थॉमस डीवर थे, एक्चुअल में उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से आज ये ब्रांड अपनी पहचान को बना पाया है। नाउ इसको ओन करते हैं बकार्डी ग्रुप। ये डिजिटल और ब्लेंड की जाती है स्कॉटलैंड में और बॉटल की जाती है इंडिया में। ये आती है 42.8% अल्कोहल बाय वॉल्यूम के साथ। यार खुल ही नहीं रही हद होगी। भाई ये आती है 750 ml की बॉटल में और ये मुझे चंडीगढ़ से मिली है 1200 की। वैसे लेबल लेबल वाली सारी विस्कियां ना मुझे जॉनी वॉकर की याद दिलाई जाती हैं। लेबल ये लेबल हाल ही में जो लेटेस्ट विस्की कंपटीशन वगैरह हुए थे अभी हाल ही में, उसमें डीवर्स को काफ़ी ज़्यादा मेडल मिले हैं। उसी होप से ये उनका स्टार्टिंग है, ये इंट्रोडक्शन है डीवर्स के लिए, तो ट्राई किया जाए। वुडीनेस, राई पेपल आ रहा है मुझे और थोड़े थोड़े हनी नोट्स हैं। काफी रिच माल्टीनेस है। वाह, मुझे हल्का हल्का सिट्रस का, ऑरेंज का नोट्स आ रहे हैं। और बिल्कुल ही लाइट स्मोकीनेस। सच बताऊं तो इट्स ऑलमोस्ट नियर अ सिंगल मॉल्ट। सच में 1200 की बोतल है, बट मेरे हिसाब से जिस तरह की प्रॉपर परफेक्शन से सिंगल मॉल्ट के बहुत ही ज़्यादा करीब है। ये प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे लिए सच में बहुत सरप्राइजिंगली है। मैंने सच बताऊं तो एक बार मैंने पहले ट्राई किया था डीवर्स का, तब मे भी मैंने या तो ध्यान नहीं दिया या वो किसी पार्टी में ट्राई किया था, तब ध्यान टेस्ट पे कम होता है और पीने पे ज़्यादा होता है। तो अब के हिसाब से मैं सच में बताऊं तो ये आराम से कोई 3000 से 4000 की बोतल का मुकाबला करती है। डेफिनेटली ट्राई इसको बनती है और आपकी अटेंशन ये ज़रूर मांगती है। देखिए इसकी शक्ल को, अच्छे से मांगती है यार अटेंशन। तो बाकी ट्राई कीजिए, बताइए मुझे कि आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली वीडियो के साथ जल्दी मिला जाएगा। थैंक यू।